हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने इस चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको इस चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट ऐसे पोएम स्लोगन सभी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये एक पैराग्राफ है 150 वर्ड्स का, जो कि आपके CBSE एक्सप्रेशन सीरीज़ में लिखने को आया है, और आपको इस टॉपिक पर मैं एक दो वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो और आप दोनों को कंबाइन कर एक बेहतर ऐसे लिख सकें या एक बेहतर पैराग्राफ लिख सकें। ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल ही है और इसमें कोई पैसा भी नहीं लग रहा है, तो आप इजीली आपके ये बहुत ही फ़ायदेमंद चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, टॉपिक है व्हाट कैन आई डू टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। मैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर ये लिखना है। तो प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट मीन्स टेकिंग सिंपल एक्शन टू कीप आवर प्लेनेट क्लीन एंड हेल्दी। तो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना और उसे हेल्थी रखना। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट आई कैन टेक मैनी मीनिंगफुल एक्शंस इन आवर डेली लाइफ्स। तो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर कैसे कर सकता हूँ मैं बहुत सारे मीनिंगफुल, मतलब बहुत यूजफुल एक्शंस ले सकता हूँ अपने डेली लाइफ में। सबसे पहले स्टार्ट बाय रिड्यूसिंग वेस्ट। जो वेस्ट है उसको बचाकर, उसको कह सकते हैं समायोजन कर उसको कम से कम कर थोड़ी रिसाइकल, मतलब कोई वेस्ट है उसको दोबारा से रिसाइकलिंग करना। हम ऐसे अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। एंड कंपोजिटिंग एंड एम टू कट डाउन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक बाय ऑप्टिंग फॉर रीयूजेबल आइटम्स लाइक बैग, बॉटल्स एंड कंटेनर्स। फॉर एग्जांपल, हम वाटर बॉटल लेते हैं, उसके बाद वाटर बॉटल को हम क्या करते हैं, प्लास्टिक वाली वाटर बॉटल अगर हम लेते हैं जो कि जैसे बिस्लेरी वगैरह है या कोई भी अदर है, हम क्या करते हैं, एक बार पानी पीते हैं और फेंक देते हैं। नहीं, हम उसे रीयूज कर सकते हैं, हम उसमें प्लांटिंग कर सकते हैं या कुछ भी चीज़ हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि जैसे हम कहीं मार्केट जाते हैं तो हम सामने वाले भैया से क्या कहते हैं कि प्लीज़ हमें पॉलीथीन दे दीजिए, तो नहीं, हम अपना बैग लेके जा सकते हैं जिससे क्या है, पॉलीथीन कम यूज़ होगी, तो जो वेस्ट है वो तो कम होगा ना उससे। तो इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कंजर्व एनर्जी बाय टर्निंग ऑफ लाइट्स। अपने जो एनर्जी है, जैसे टर्निंग ऑफ लाइट्स, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस एंड लिमिटिंग वाटर यूजेस। तो हम जो अपनी एनर्जी है, जैसे कहीं अगर बिना फालतू में फ़ैन चल रहा है तो हम उसको ऑफ़ कर दें, कहीं अगर बिना फालतू में लाइट जल रही है तो हम उसको ऑफ़ कर दें, ताकि जो हमारी एनर्जी है उसको हम सेव कर सकें और इन फ्यूचर वो हमारे काम आ सके। सपोर्टिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें, सच एज वॉकिंग, बाइकिंग एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशंस। फॉर एग्जांपल, कि अगर हम मार्केट जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो हम कार लेके जा रहे हैं जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ी सी दूर पे ही अपनी बाइक उठाते हैं, नहीं, हम वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वेस्ट को हटा सकते हैं। आगे देखिए, Additionally, consider reducing meat composition as a meat industry is a sufficient contributor to environment degradation. Finally, advocate for environmental policies and support businesses that prioritize sustainability. Last में, small consistent effort from individual can collectively make a significant difference in protecting our planet. तो स्मॉल जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारा, तो उससे भी हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से सेव रख सकते हैं। और अगर हम इंडिविजुअली, मतलब अगर हम मिलकर इस काम को करेंगे, तो जो हमारा प्लेनेट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो दिस इज़ योर इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।